देशी साजिश हो रही है सत्ता पक्ष के खिलाफ और राहुल गांधी उसके मुखिया हैं। धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी के साथ समस्या यह है कि राहुल गांधी जब कोई बात कहते हैं तो वह लोगों को विश्वसनीय लगने लगती है। कुल समस्या यह है, राहुल गांधी से और कोई नाराजगी की नहीं है। राहुल गांधी किसी भी आरोप के लोगों के बीच में विश्वसनीय बनाने का सबसे बड़ा माध्यम हो गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ या अन्य कोई भी आरोप जो राहुल गांधी लेकर के आ रहा है, राहुल गांधी क्या पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए का जो निवेश हुआ है FDI में वो पैसा किसका है, ये तो पूछ रहे हैं वो। आप एक इंडिविजुअल से बात कीजिए, अगर उसके उस इंडिविजुअल के खाते में 10 रुपया जमा हो जाए तो पता करता है कि रुपया किसने भेजा। क्या संभव है कि आप अपने खाते में जमा हो रहे पैसे की जानकारी आप नहीं लेना चाहते हैं? और 20,000 करोड़ रुपए का निवेश हो जाए और ये पैसा किसका है, कहां से आया, ये कौन लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये जानकारी राहुल गांधी चाहते हैं तो इसको बताने में क्या दिक्कत है? क्या यह जानने का हक नहीं है इस देश को कि यह पैसा माफिया का है, किसी तस्कर का है, किसी ड्रग रैकेटियर का है, किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लगे हुए किसी व्यक्ति का है, किसका पैसा है? और क्या इस तरह के लोग अगर आपके देश में निवेश करते हैं तो वह आपके संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं करते? ये जाना नहीं जाना चाहिए। सवाल केवल यह है, यह जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में कोई ऐसी खुफिया बात तो नहीं है, सब कुछ क्लियर कट है। अगर माधवी बुच ये कहती है कि सेबी में आने के पहले वह अपना पैसा अपने पति को ट्रांसफर कर चुकी थी, बहुत अच्छी बात है। वो पैसा था कहाँ, पहला सवाल। वह पैसा ऑफशोर कंपनी में था, बेनामी कंपनी में था। ऑफशोर कंपनी के साथ आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना सेबी के नियमों के अनुसार ही गलत है। यह देश बेनामी कंपनियों को बंद करने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का ढिढोरा पीटती रही है। तो ऑफशोर कंपनी में आपने निवेश किया, पहली चीज, आप इसकी जवाबदेही आप पे बनती है। दूसरी चीज कि 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आती है, 2015 में माधवी बुच जी अपना जो पैसा है जो ऑफशोर कंपनी में लगाए रहती हैं वो अपने पति को ट्रांसफर कर देती है। 2014, 2015 और 2017 में वो सेबी की मेंबर हो जाती है जी। तो क्या यह जो क्रमवार घटनाएं हो रही हैं यह नयास है? आपने क्यों ट्रांसफर कर दिया? अगर आपने अपने निवेश को अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दिया तो क्यों कर दिया, क्या उसमें क्या फायदा था, क्या नुकसान था, कौन से जो टैक्सेस थे जिनको बचाने के लिए आपने काम किया, ये तो बताना पड़ेगा आपको। और आपने 2015 में ही आगे क्यों जमा किया, मैं अपने पति के नाम ट्रांसफर किया, उसके पहले भी कर सकते थे आप। अगर आपको लगता था कि ये पैसा मुझे अपने पति के नाम कर देना चाहिए तो पहले भी कर सकती थी, 2015 में ही क्यों? और वो भी तब जब मोदी सरकार सत्ता में आ जाती है, तभी क्यों आपने किया? और किस पति के नाम आपने ट्रांसफर किया? मेंबर जब आप सेबी की मेंबर हो जाती हैं तो वही पति जो इंजीनियर है पेशे से, वह आर्थिक गतिविधियों में शामिल, आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने वाली एक कंपनी ब्लैकस्टोन उसके सलाहकार हो जाते हैं। माने एक इंजीनियर वह आर्थिक विशेषज्ञ कब हो गया? अच्छा चलिए मान लेता हूं कि आपके पास बहुमुखी प्रतिभा है, कि कोई किसी चीज का जानकार हो सकता है, कोई अर्थशास्त्री भी राजनीति शास्त्री हो सकता है, कोई बहस नहीं है। तो अगर आपके पास आर्थिक जानकारी है, आर्थिक निवेश को आप प्रोत्साहित करना जानते हैं, किसी संस्था किसी व्यक्ति किसी समूह को आप आर्थिक सलाह दे सकते हैं, तो आपने अतीत में कौन से काम किए हैं, किस तरह का आपके पास अनुभव है? ब्लैक स्टोन कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, वो भी एक ऐसी कंपनी है जो रियल एस्टेट में काम करती है। रियल एस्टेट में काम करने वाली कंपनियां आम नहीं है और उसका भी काम करने का तरीका एकदम अलग है। ब्लैक स्टोन रियल एस्टेट में काम करने वाली वो कंपनी है जो रियल एस्टेट डेवलप करके किराए पे देती है, बेचती नहीं है, प्रमुख काम से किराए पे देना है। भारत में इस तरह के काम करने वाली कंपनियों की संख्या बहुत कम है। मैं किसी निजी तौर पर मैं किसी ऐसी कंपनी को नहीं जानता, तो आप उस कंपनी के सलाहकार हो जाते हैं। तो माधवी बुच जो एक अर्थशास्त्री हैं, जो आर्थिक मामलों की जानकार हैं, तमाम बड़े बड़े आर्थिक संस्थानों में काम कर चुकी हैं, वह एक विदेश में स्थापित
बेनामी कंपनी है जिसको अडानी साहब के भाई चला रहे होते हैं, उससे पैसा निवेश करती हैं अरबों रुपए करोड़ रुपए, क्या ये अपने आप में यह तर्कसंगत है? और जो व्यक्ति बेनामी कंपनियों में पैसा निवेश करता हो, वह एक आर्थिक नियमन करने वाले देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठान का प्रमुख बना दिया जाए, उसका सदस्य बना दिया जाए, ये सवाल नहीं पैदा होता? आप ये कहते हैं कि साहब हिंडनबर्ग की बात विश्वास नहीं किया, क्यों नहीं विश्वास किया जाएगा? हिंडनबर्ग तो कहता है कि मैं शॉर्ट सेलर कंपनी हूं, उसने कभी नहीं कहा कि हम बहुत बड़े शोध करता है, उसने कभी नहीं कहा कि हम ऐसी कंपनी है जो कोई पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, वो तो पब्लिक डोमेन में लिख करके बताती है कि हम शॉर्ट सेलर हैं, हम विभिन्न कंपनियों के बारे में शोध करते हैं और उसको पब्लिक डोमेन में डालते हैं, यह तो कोई खुफिया जानकारी आप नहीं दे रहे हैं। और अगर बात अगर उसने कोई बात कही है, अगर माधवी मित्तल जी माधवी बुच जी ये कहती माधवी बुच ये कहती हैं कि साहब मेरी मेरी मेरा पूरा जीवन खुली किताब है, तो उसी किताब के ही तो पन्ने हैं ये, जिसको हिंडनबर्ग ले आया है वो उसी किताब के पन्ने हैं। आप ये बता दीजिए कि अगर वो पन्ने आप उस खुली किताब के नहीं है तो आप पद छोड़ दीजिए और सरकार से आग्रह कीजिए कि इसकी जांच करा ली जाए, जिस भी प्रतिष्ठान संस्था से सरकार जांच कराना चाहे वो जांच करा ले, जांच की बात को नहीं कर रही है आपके आपकी तरफ से जो स्पष्टीकरण जारी किया गया है उसमें आपकी तमाम योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, बहुत अच्छी बात है, आप बधाई की पात्र हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आपकी जो योग्यताएं हैं क्या इस बात की प्रमाण है कि जो गतिविधियों में आप शामिल नहीं है वो उसके बगैर मैं उसके बिना पर संभव नहीं है? क्या इस जो लोग इस तरह के काम में लगे हुए हैं क्या अनपढ़ जाहिल हैं? पढ़े लिखे लोग नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, जो जो ये ऑफशोर कंपनियां चला रहे हैं वो कोई जाहिल लोग हैं क्या? कितने उनकी विद्वत्ता है सभी जानते हैं। आप जो बात कह रहे हैं, दूसरी चीज इस पूरे मसले पर सरकार के वित्त मंत्रालय को जवाब देना चाहिए, जवाब कौन दे रहा है? रविशंकर प्रसाद जी। जवाब कौन दे रहा है? वो जो महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता जी हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं जी। सवाल इस बात का है कि ये पूरा का पूरा जो विषय है, और राहुल गांधी किसके साथ अब समस्या क्या हो जाती है बीजेपी की, कि राहुल गांधी जब इस विषय पर बात करने लगते हैं तो देश की जनता उसको सुनने लगती है। राहुल गांधी एक एक चीज एक एक शब्दों को बटोर करके एक पूरे मामले की व्याख्या कर देते हैं कि तथ्य यह है, इसको आप समझिए कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, देश के संप्रभुता के साथ किस तरह के समझौते किए जा रहे हैं, विदेश में बैठे हुए लोग किस तरह के इस देश की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, देश में बैठे हुए लोग जिनको आर्थिक नियमन की जिम्मेदारी है वह कैसे इन कंपनियों के साथ मिले हुए हैं, किस तरह से उनके आर्थिक लाभ जुड़े हुए हैं, उन आर्थिक लाभों से वह किस तरह से देश के कारपोरेट को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या फायदा पहुंचा रहे हैं या इतना फायदा पहुंचा चुके हैं। राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है, कोई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ढेर सारे लोग पढ़ नहीं पाएंगे, अंग्रेजी जानने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग वेबसाइट पर जाके पढ़े, कोई किताब तो छपी नहीं है, उनकी संख्या सीमित होगी ना। लेकिन जब राहुल गांधी इस बात को बोलने लगते हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक गांव गिराव में बैठा हर आदमी पढ़ने सुनने लगता है कि कोई हिंडनबर्ग है जो इस सरकार के कोई सेबी है, सेबी की कोई प्रमुख है, उनके बारे में इतनी बातें आ रही हैं, और ये सेबी वही है जो अडानी साहब की जांच कर रही थी, ये सेबी वही है जो यह कह रही थी कि हम कई मामलों की जांच नहीं कर पा रहे हैं जी। कुल दिक्कतें हो रही है, राहुल गांधी के साथ समस्या यह है कि आप राहुल गांधी के द्वारा कही गई बातें लोगों तक पहुंच जा रही है, वो कम्युनिकेट हो जा रही है, आपकी जो बेचैनी है वही है। और कोई भी सरकार हो वह सरकारी एजेंसियों के बूते अपनी व्यवस्था को चला नहीं सकती, घटता हुआ जनविश्वास आपके सत्ता से बाहर होने का पहला रास्ता है, लोग आपके दरवाजे की कुंडी खटखटा चुके हैं, और लोग इस बात को लोग इस साल के लोकसभा के चुनाव में लोगों ने यह बताना शुरू कर दिया कि आपकी विश्वसनीयता घटी है, आपके आर्थिक नीतियों आपके सभी दावों के प्रति लोगों के मन में अविश्वास पैदा होने लगा, ये कैसे संभव है? अगर आप ये चाहते हैं कि राहुल गांधी की बातों को लोग विश्वास न करें तो आप राहुल गांधी पे हमला करके ये बात नहीं रोक सकते हैं, आपको इन तथ्यों को सामने लाना पड़ेगा कि जो बातें हिंडनबर्ग कह रहा है वो तथ्यपरक है या नहीं है, राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो तथ्यपरक है या नहीं, आप राहुल गांधी की नीयत का सवाल उठा करके उन तथ्यों की अनदेखी नहीं कर सकते।
आप ये आरोप लगा करके राहुल गांधी देश को अस्थिर करना चाहते हैं, यह कहने से काम नहीं चलने वाला। देश को अस्थिर कौन करना चाहता है? आप सोर कंपनियों का में पैसा लगाने वाला देश को अस्थिर करना चाहता है कि इन चीजों को सामने लाने वाला व्यक्ति देश को अस्थिर करना चाहता है या देश को मजबूती देना चाहता है? सवाल यह है। और यह अगर 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 आपने इन चीजों को साफ साफ जो लोगों के सामने आप नहीं रखेंगे तो आपकी बात पे कोई विश्वास करने वाला नहीं है। सरकार जो अपने बारे में बात यह कहती रही है कि देश में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को किसी विशेषज्ञ को सेबी का चेयरमैन बनाया गया, यह पहली बार साबित हो रहा है कि आप ऐसे निजी व्यक्ति को अपने लोगों को लाभान्वित कराने के लिए ले आए। यह आपका निजी किसी भी विशेषज्ञ को लाना संस्था को मजबूत करने का प्रयास नहीं था, संस्था के कामकाज को बेहतर करने का प्रयास नहीं था, संस्था के कामकाज को पारदर्शी बनाने की कोशिश नहीं थी, निवेशकों का विश्वास बढ़ाने का प्रयास नहीं था। यह पूरा का पूरा प्रयास इस बात का आरोप में दम लगता है कि आप अपने लोगों को और ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास आप कर रहे थे उनके माध्यम से जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपके आपके लिए आर्थिक संसाधन जुटाते हैं, जो आपके लिए लाभमंद